की तरफ से आज माह रमज़ान के मुबारक महीने में तोशा ट्रस्ट की जानिब से गरीबों के लिए राशन बांटने का काम शुरू किया गया है और माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है। तोशा ट्रस्ट हर वक्त इस तरह से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ दिखाती रहती है, तो आइए जानते हैं कि तोशा ट्रस्ट ने किस तरह से ये एहतमाम किया है और इंतज़ाम किया है। ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे तोशा ट्रस्ट की जानिब से माशाल्लाह माह रमज़ान के मुबारक महीने में किस तरह से यहाँ पर राशन तकसीम किया जा रहा है, ये देख सकते हो आप। बाकायदा टोकन नंबर वगैरह दिया जा रहा है गरीबों को और ये राशन तकसीम किया जा रहा है यहाँ पे। ये जो एहतमाम किया गया है राशन बांटने का, देख लीजिए आप किस तरह से यहाँ पे लोगों को राशन तकसीम किया जा रहा है। और साथ ही जो मेंबर है वो बहुत ही काफ़ी मेहनत कर रहे हैं रमज़ान के मुबारक महीने में, आप देख सकते हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अपना बद्रू भाई और परवेज़ भाई, काशिफ भाई, ज़ुबैर भाई, रज्जाक भाई वगैरह सब यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि तोशा ट्रस्ट का अहतमाम इन्होंने किस तरीके से किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बद्रू भाई, ये जो अहतमाम जो आप करते हो ये मतलब तकरीबन कितने सालों से कर रहे हो? ये हम लोग करीबन 2 साल से कर रहे हैं कि हर रमज़ान महीने में रमज़ान किट और इंशाल्लाह ईद आने से पहले ईद किट भी देते हैं हम लोग। तो ये हम लोग 2 साल से मतलब करीबन ये चल रहा है और एवरी मंथ भी हम लोग राशन बांट रहे हैं जो हमारे रेगुलर जो हैं, जिन लोगों की ज़रूरतमंद है, जैसे यतीम है, बेवा है, कुछ लोगों के पास जॉब वगैरह नहीं होता, तो उनको भी हम लोग किट्स वगैरह देते ही हैं, मतलब रेगुलर हर महीने देते हैं। ये स्पेशल हम लोग रमज़ान के लिए अलग से करते हैं। तो ये किस तरह से आप लोगों को पता चलता है कि वाकई में मतलब गरीब है, या मतलब सर्वे वगैरह कुछ कर दो आप? जैसे जो हम लोग रेगुलर देते हैं तो हम लोग जाके वेरीफाइड करते हैं, तो यहाँ हमारे मेंबर लोग जाते हैं घर वगैरह पे चेक करते हैं, आजू बाजू में तहकीक करके ही देते हैं। और ये जो रमज़ान की जो हम लोग देते हैं ये मैं तो इसको तहकीक नहीं, मतलब जो पता है जो काम करने वाले हैं, जो वॉचमैन हैं हमारे, और जो गरीब लोग जिनको रेगुलर जा रहा है या हाउसमेट जो वगैरह हैं उनको हम लोग रेगुलर उनको मतलब बुला के देते हैं रमज़ान किट वगैरह। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। हमारे साथ इस वक्त परवेज़ भाई भी मौजूद है। और परवेज़ भाई, ये टोकन टोटल कितने टोकन नंबर बांटे गए? 70 बांटे गए, 70 टोकन नंबर बांटे। और साथ ही में यहाँ पे काशिफ भाई भी है, इनकी भी काफ़ी मेहनत होती है। आइए काशिफ भाई से भी बात करते हैं कि इनका भी किस तरह से इंतज़ाम होता है, क्या अहतमाम होता है, आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले तो मैं सारे मेंबर्स जो भी तोशा ट्रस्ट में हमें ताउन करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग ये देखें कि आप लोगों के ताउन का कहां इस्तेमाल हो रहा है। माशाल्लाह इस वक्त अभी तक हमने 70 से ज़्यादा किट रेडी कर चुकी है और कुछ हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है। एवरेज 2000 प्लस की ये किट बनी हुई है जो आपको दिख रही है यहाँ पर। और ये किट हम लोग हर एक सिक्योरिटीज़, मेड्स, जो गरीब लोग हैं जिनकी हार्डली जिनकी महीने की इनकम है हार्डली 7-8 हज़ार रुपये महीना या 10 हज़ार रुपये महीना होती है, हम लोग वो घरों में पहुँचा रहे हैं। बेवाएँ हैं, यतीम बच्चे हैं और कुछ बीमार लोग हैं, तो हम लोग उन तक ये पहुँचाते हैं माशाल्लाह। तो ये जो इंतज़ाम किया है राशन वगैरह का, ये लगातार पूरा रमज़ान चलेगा या कुछ मतलब दिनों में ख़त्म हो जाएगा? माशाल्लाह पिछले 1 साल से तोशा ट्रस्ट की जानिब से और सारे भाइयों की मेहनत की वजह से हम लोग पिछले 1 साल से तकरीबन 25 घरों में 25 फैमिली के पास हम लोग राशन पहुँचाते हैं अक्रॉस मुमरा के अंदर। नहीं, ये रमज़ान के बाद भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। मैं परवेश शेख डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से कैमरामैन साकिब शेख के साथ।